हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट जो आने वाला है बहुत ही जल्दी, और आपको शायद और भी सोर्सेस से पता लगा होगा, तो उसी के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कम्युनिटी में पूछा था कि किस किस ने ESICUDC या MTS के लिए अप्लाई किया है, तो उसी रिगार्डिंग हम ESIC यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में एक नई वैकेंसी और आने वाली है SSO। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर SSO, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो इन एंड अराउंड आपका फेबररी में आने की पूरी चांसेस है। फेबररी में भी मैं बात करूँ तो विद इन 10 to 15 days इसका आने की संभावनाएं हैं। ऐसा RTI रिप्लाई में भी जवाब आया है, और ऐसा और भी बहुत से अपडेट सोर्सेज से भी पता लग रहा है हमको कि ये बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ, तो 2018-19 में जब ये लास्ट टाइम आया था तो इसमें 539 वैकेंसीज आई थी। तो वैकेंसीज ऑल एंड ऑल इस बार भी 550 to 600 के आसपास ही रहने वाली हैं। इसी के आसपास आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं इस बार भी, 550 to 600 के आसपास ही। तो एक डिसेंट वैकेंसीज हैं, क्यों रिगार्डिंग अगर हम देखें कि ये जॉब जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई पे स्केल जॉब है। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो देखिए, पहला टीयर होगा उसमें आपका इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग आएंगे, सेम पैटर्न बैंक करेगा, सेम टाइमिंग बैंक करेगा जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है। सेकंड एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग क्वांट इंग्लिश और साथ ही साथ GK आएगी, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, जो बैंक वाला ही पैटर्न। टीयर थ्री में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा 50 मार्क्स का, जिसमें एक लेटर होगा 20 मार्क्स का, ऐसे प्रिसाइज राइटिंग होगी 30 मार्क्स की। ये 3 tiers रहेंगे, और इसके बाद इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जैसे UDC में है ESIC के, कि आपको उसमें पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है, और भी MS Excel का वर्क है और MS Word, ये सब इसका होने वाला है, ठीक है ना। तो एक अच्छी नोटिफिकेशन है। और अगर मैं आपसे बात करूं एज क्राइटेरिया, लास्ट टाइम जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो मैक्सिमम एज इसमें 27 ईयर्स थी। तो जो कैंडिडेट्स 27 ईयर्स तक के हैं, फॉर्म में अनरिजर्व कैटेगरी बता रहा हूँ, तो वो आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी बैचलर डिग्री ही इसमें मांगी गई है, ओनली बैचलर डिग्री, उसके अलावा किसी भी चीज़ की आपको कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। केवल आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो सफिशियंट है, और किसी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो एक अच्छी वैकेंसी है, और फॉर दोज कैंडिडेट्स जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी ये है। तो बाकी देखिए, मैंने जैसा मैंने बताया ESICUDC का हम बैच लाने वाले हैं सेपरेट, पॉलिटी वॉलिटी का हमने जो बैच था हमारा पॉलिटी हिस्ट्री का, वो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें आप करते रहिए, मदद करेगा, क्योंकि इसमें भी आपका UDC में भी पॉलिटी और हिस्ट्री ये सब आने वाले हैं, उसमें भी मदद करेगा आपको, वैसे भी करेगा। प्रिपरेशन रेगुलर करते रहिए, इसके लिए भी हम बैच बहुत जल्दी फ्री YouTube क्लासेस में हमें आना, फ्री YouTube पेड कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। प्रिपरेशन करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। चले फिर इतना ही था इस सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, चैनल पर नए हैं या कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर वेरी ओन YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।